दोस्तों, इस बार की पवित्र माघ मास की पूर्णिमा 9 फरवरी यानी कि रविवार के दिन पड़ रही है। और दोस्तों, शास्त्रों में इस माघ पूर्णिमा को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। दोस्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि यह भगवान भास्कर और साक्षात श्री हरि विष्णु का महीना बताया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन से कलयुग का आरंभ हुआ था। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस माघ पूर्णिमा में यानी इस दिन कई विशेष योग भी बन रहे हैं। दरअसल ज्योतिषाचार्यों के अनुसार बताया जा रहा है कि इस बार माघी पूर्णिमा में 5 महापुरुष योग में एक सश योग और चंद्राधि योग बनेगा। जब चंद्रमा से केंद्र में शनि स्वगरी होते हैं तो सश योग बनता है। वहीं चंद्रमा से छठे, सातवें और आठवें भाव में ग्रह होते हैं तो चंद्राधि योग बनता है। पद्म पुराण के अनुसार इस योग में किया गया कोई भी मंत्र जाप व्यक्ति को उसका कई गुना फल प्राप्त करवाता है। साथ ही इस दिन किसी भी प्रकार की पूजा का फल कई गुना बढ़कर मिलता है। इस योग में किया गया गंगा स्नान साक्षात भगवान विष्णु का धाम वैकुंठ धाम प्राप्त करवाता है। दोस्तों, इस माघ पूर्णिमा में दान का भी विशेष महत्व बताया गया है। दोस्तों, इस पूर्णिमा में यदि आप दान इत्यादि का कार्य करते हैं तो आपके पुण्यों में कई गुना इजाफा होता है। साक्षात अश्वमेध यज्ञ के फल के बराबर आपको भी फल प्राप्त होता है। खासकर दोस्तों, ऐसा माना जाता है माघ पूर्णिमा के दिन यदि आप भगवान विष्णु से संबंधित किसी मंत्र का जाप कर ले तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। और आज हम आपको शास्त्रों में ही छुपा एक ऐसा गुप्त मंत्र बता रहे हैं जो भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। और खासकर इस माघ पूर्णिमा के दिन आपको इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। अगर आप परेशानी में है या कोई परेशानी काफ़ी दिनों से आपको सता रही है, बनते बनते कार्य बिगड़ जाते हैं अथवा धन से संबंधित कोई परेशानी से आप जूझ रहे हैं तो दोस्तों, माघ पूर्णिमा के दिन बस भगवान विष्णु के इस गुप्त मंत्र का जाप कर ले। ऐसा माना जाता है कि इस मंत्र में साक्षात माँ सरस्वती बैठती है, इसलिए जब भी इस मंत्र का जाप किया जाता है तो आपके मुंह से लौकिक और अलौकिक शक्तियों को खींचने की क्षमता आ जाती है। जब आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो ये सीधे सीधे भगवान विष्णु तक पहुँचता है। खासकर माघ पूर्णिमा में अगर आप इस मंत्र का जाप कर ले तो आपके समस्त पाप नष्ट होते हैं। और इस मंत्र का जाप करने के बाद जो भी मनोकामना आप भगवान विष्णु के समक्ष रखते हैं वह भगवान विष्णु अवश्य पूरी कर देते हैं। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि यह मंत्र आपको किस प्रकार जपना है और यह उपाय आपको किस प्रकार करना है। दोस्तों, सर्वप्रथम आपको सुबह जल्दी उठ जाना है, खास करके 4 से 6 बजे के बीच आपको उठ जाना है, क्योंकि दोस्तों यह वह समय होता है जब वातावरण शांत होता है, लौकिक अलौकिक शक्तियाँ आसमान में होती हैं। पूजा पाठ के लिए सुबह का समय काफ़ी उत्तम बताया गया है, सदियों से यही परंपरा चली आ रही है। तो दोस्तों, सुबह जल्दी उठकर स्नान इत्यादि करके स्वच्छ वस्त्र आप धारण कर ले। अब आपको अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कोई मूर्ति है तो उसके सम्मुख अथवा अगर फोटो इत्यादि है तो उसके सम्मुख आप धूप दीप इत्यादि प्रज्वलित कर ले। और अब आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करनी है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं वह गुप्त मंत्र जो भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है तथा जिसको जाप करने मात्र से ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिलता है। दोस्तों, मंत्र इस प्रकार है। ओम नमो नारायणा श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। ओम नमो नारायणा श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। दोस्तों, इस प्रकार इस मंत्र को आप केवल 3 बार जप कर ले, परंतु सच्ची श्रद्धा परिपूर्ण विश्वास के साथ ही आप इस मंत्र का जाप करें। यानी जाप करने से पूर्व आपको यह पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि यह मंत्र आपकी हर बाधा का काट है, आपकी हर परेशानी का उपाय है। दोस्तों, इस श्रद्धा भाव से भगवान विष्णु को याद करते हुए इस मंत्र का जाप कर दी और मंत्र के अंत में अपनी मनोकामना आप
बाद विष्णु और माता लक्ष्मी के समक्ष रखें। दोस्तों, इस प्रकार से इस उपाय को करने से आपकी हर परेशानी हर बाधा दूर होती है और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का वास साक्षात आपके घर पर होता है। दोस्तों, इस उपाय को करने के कुछ ही मिनट बाद आपको इसका असर दिखने लग जाता है। इसलिए दोस्तों, यह कोई मामूली मंत्र नहीं, इसका प्रयोग आपको पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ करना है और इसका असर आप तुरंत देखने को आपको मिलेगा। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। धन्यवाद।